ये लीजिए मैम, हो गए आपके जूते पॉलिश। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। क्या कहा, 10 रुपए? लूट मचा रखी है कतई। 10 रुपए में तो मैं 2 दिन पॉलिश करवा लूंगी। ये पकड़ो 5 रुपए। नहीं मैम साहब, 10 रुपए चाहिए मुझे। 8 रुपए की पॉलिश लग गई इनमें और 2 रुपए की मेरी मेहनत। देख, 5 रुपए लेने हैं तो ले, वरना मैं ये भी नहीं दूंगी। मैम साहब, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, मेहनत के मांग रहा हूँ, भीख के नहीं। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानने वाला। तुझे पता नहीं है कि मैं कितनी बड़ी हरामी हूँ। रुक, अभी देती हूँ पैसे तेरे। और चाहिए पैसे? और चाहिए? और मांग रहा पैसे? बोल। नहीं मैम साहब, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, और मांग, अब क्यों नहीं मांग रहा? रुकिए, ये क्या बदतमीजी है? आप क्यों मार रही हो उस बेचारे को? क्यों, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं कुछ भी करूं। देखिए मैम साहब, ये बेचारा बहुत गरीब है, इसके पिताजी भी नहीं है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये जूते पॉलिश करता है, और आप तो पढ़ी लिखी और पैसे वाली लगती हो। अगर आप जैसे लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों का क्या होगा? तो मैंने क्या गलत किया है? 5 रुपए लगते पॉलिश के और ये 10 मांग रहा है, ये इसकी गलत बात नहीं है? मैम आपको शायद गलत फहमी है, 10 रुपए ही लगते हैं पॉलिश के, कम से कम। आप कहीं भी पूछ लीजिए। अच्छा, तो तू भी इसकी साइड लेगा? तुम साले गरीब लोग होते एक जैसे हो, अमीर लोग देखते ही एक हो जाते हो और पीछे पड़ जाते हो कुत्तों की तरह। लेकिन बेटा, मैं तुझसे भी बड़ी हरामी हूँ। अब 10 तो क्या, मैं 5 भी नहीं दूंगी। जा, कर ले जो करना है। मैम साहब, पैसे तो देने पड़ेंगे, मेहनत की कमाई है इसकी, हराम की नहीं है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत क्यों? 10 रुपए के लिए मेरा हाथ पकड़ेगा? अभी बताती हूँ तुझे। बेटा आज की बात छूना तो दूर, देख मत ले मेरी तरफ। पैसे के बहाने से मुझ जैसी हॉट और खूबसूरत लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है? अभी एक आवाज मारूंगी ना तो लोग आके तेरी थूत बदल देंगे। बड़ा आया मुझसे पैसे लेने वाला। एक मिनट मैम साहब, मैम साहब मेरी तबीयत खराब चल रही है 2-3 दिन से। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं दवाई ले आता। बुड्ढे, तुझे कितनी बार बोला है मैंने सुबह से पैसे मत मांगा, अगर एक बार का समझ में नहीं आता तुझे? मैम साहब 10 बज रहे हैं, सुबह थोड़ी है, फिर आप देर रात तक आते हो और रात में भी आप फिर मना कर देते हो पैसे मांगने को। तो फिर मैं क्या करूँ, काम छोड़कर तेरे पैसे देने आऊँ? नहीं मैम साहब, लेकिन किसी और से बोल दीजिए घर में, या फिर आप सुबह खुद दे देना पैसे ताकि मुझे मांगने ना पड़े। अच्छा, सुबह सुबह मुझे और कोई काम नहीं है जो मैं तेरे पैसे देने आऊँ। और बुड्ढे तू मुझे ये बता कि किस बात के पैसे दूँ मैं तुझे? एक काम तो तू ढंग से करता नहीं है। ये देखना कार कितनी गंदी हो रही है, ऐसा लग रहा है 1 महीने धोई नहीं तूने। मैम साहब साफ तो है, अभी अभी तो धो ली है मैंने। अच्छा, तो मैं पागल हूँ जो बोल रही हूँ? लगता है तुझे नौकरी से निकालना पड़ेगा, चल निकल यहाँ से। नहीं मैम साहब, ऐसा मत करो, मैं दोबारा साफ कर देता हूँ। चलो हट साइड में, लेट हो रही हूँ। पिताजी आ गए आप, बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। ये लीजिए पानी। क्या हुआ पिताजी, आप बहुत उदास लग रहे हो, क्या आज भी पैसे नहीं दिए मालकिन ने? नहीं राहुल बेटा, आज भी कोई पैसा नहीं दिया। तो फिर पिताजी आप ऐसा काम छोड़ क्यों नहीं देते? आप वहां इतनी मेहनत करते हो, दिन रात काम करते हो, फिर भी पूरे 6 महीने से उन्होंने एक पैसा नहीं दिया है, क्या फायदा है ऐसी जगह काम करने से? बेटा छोड़ तो दूं, लेकिन इस उम्र में फिर मुझे कोई काम नहीं देगा, और जब तक तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती
तेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, वरना तुझे पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और अभी तुझे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मेरी फिक्र मत कर, जब तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा ना, मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हाँ पिताजी, मैं जरूर बनूंगा बड़ा आदमी, लेकिन आप फिक्र मत करो, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देता हूँ। पिताजी आपकी तबीयत खराब है, आप फिर भी पानी में भीग रहे हो, चलिए वहाँ आराम कीजिए। नहीं राहुल बेटा, मालकिन आने वाली है, बहुत नाराज होगी अगर मैंने उसकी गाड़ी साफ नहीं करी तो। आइए। और कार की टेंशन आप मत लीजिए, मैं साफ करता हूँ कार को, ठीक है? पिताजी कार साफ हो गई है, अब मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ, ठीक है? तब तक आप आराम कीजिए। वो देखो तुम्हारा नौकर लेट मार रहा है। अच्छा, इस हरामजादे बुड्ढे की इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ उसको। कामचोर बुड्ढे, मैं तुझे यहाँ सफाई करने के पैसे देती हूँ, आराम फरमाने के। मैम साहब, कार साफ हो गई है, मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं थोड़ा आराम करने लग गया था। अच्छा, मेरे सामने नाटक करता बुखार का, चल खड़ा हो, फिर से गाड़ी साफ कर, चल। मैम साहब, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कौन करता है अपने से बड़ों के साथ? क्यों, तू रोकेगा मुझे? और एक मिनट, तू तो वही है ना जो उस दिन बच्चे के लिए मुझसे बहस कर रहा था, और आज इस कामचोर बुड्ढे के लिए मुझे बदतमीज बोल रहा है? मैम साहब तमीज में बात कीजिए, ये मेरे पिताजी हैं, कामचोर नहीं है, बल्कि आप बेहद लालची, घमंडी और बदतमीज लड़की हो, जिसे अपने उसे बड़े से बात करने की तमीज ही नहीं है। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे तमीज? बेटा तुम गरीब लोग ना तमीज से बात करने लायक नहीं हो, और ना तुम्हारी कोई इज्जत है जो मैं तुमसे तमीज से बात करूं। खैर वो सब छोड़, तू ये बता कि मेरे घर में आके मुझसे उल्टा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे इस बूढ़े बाप की भी औकात नहीं है जो मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सके। क्यों बुड्ढे, तूने बताया नहीं इसको मेरे बारे में? मैम साहब माफ कर दो, इसे मालूम नहीं है आपके बारे में। तो फिर बताया क्यों नहीं इसे मेरे बारे में? चल निकल यहाँ से, अब नहीं रखना मुझे तुझे काम पे, एक काम तो ढंग से करता नहीं है, ऊपर से अपने बेटे को और बुला के लेके आ गया मुझसे बहस करने के लिए। मैम साहब ऐसा मत कीजिए, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मुझे नहीं सुनना कुछ भी, चल निकल यहाँ से। मैम साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम से मत निकालिए। देख ले बेटा, मेरे सामने तेरे बाप की भी ये औकात है और तू मुझसे जान लड़ा रहा है। चलिए पिताजी, कोई फायदा नहीं है ऐसी जगह काम करने का जहाँ लोग हमारी इज्जत ना करें। हाँ हाँ, ले जा अपने बाप को, वैसे मुझे भी कोई जरूरत नहीं है ऐसे कामचोर बुड्ढों की। आओ पिताजी चलो। यार तू तो बड़ी तेज निकली, 6-7 महीने काम भी करा लिया तूने उस बुड्ढे से और 1 रुपया भी नहीं दिया। चलो चलते। राहुल क्यों बुला लाया मुझे? अब इस उम्र में मुझे कोई काम नहीं देगा और अब ना वो पैसे देगी, 7 महीने के पैसे हैं मेरे। पिताजी आप बेकार में उम्मीद लगाए बैठे थे, मैं जानता हूँ इसे, बेहद लालची लड़की है ये, किसी के 5 रुपए तक नहीं देती है, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है आपके पैसे भी ये कभी नहीं देती, बस झूठी उम्मीद लगाए बैठे रहते आप। लेकिन कहाँ मिलेगा मुझे काम, और काम नहीं मिला तो तेरी पढ़ाई कैसे पूरी करा पाऊंगा? मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तेरी पसंद की पढ़ाई पूरी करा पाऊँ और तेरी पसंद की चीज़ें दिला सकूँ। इच्छा होते हुए भी मैं तुझे कुछ नहीं दिला सका, मुझे माफ़ कर दे बेटा। अरे नहीं पिताजी, आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए,
सब आपका दिया हुआ ही तो है मेरे पास। आप प्लीज कुछ मत सोचिए और परेशान मत होइए। पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी क्या हुआ आपको? पिताजी उठिए उठिए पिताजी, मैं आपको डॉक्टर के लेकर चलता हूँ। भाई साहब प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। भाई साहब हाँ भाई क्या बात है? भाई साहब मेरे पिताजी की बहुत तबीयत खराब है, प्लीज हेल्प मी। फिर हम क्या कह रहे हैं उसमें, मर जाने दे? भाई साहब प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए वरना वो मर जाएंगे। चल साइड हो, मर जाने दे, हमें क्या मतलब। ड्राइवर क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, पीछे पड़ रहा है, बोल रहा है इसके पिताजी को डॉक्टर के ले चलो। तो तुम मना क्यों कर रहे हो? हमारा काम किसी की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है, ले चलो उन्हें। अब तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हाँ सर, आप ही की वजह से वो ठीक हैं। अगर आप उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते, तो शायद वो आज जिंदा नहीं होते। सर एक काम तो ढंग से करता नहीं है, ऊपर से अपने बेटे को और बुला के लेके आ गए मुझसे बहस करने के लिए। मैम साहब ऐसा मत कीजिए, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मुझे नहीं सुनना कुछ भी, चल निकल यहाँ से। मैम साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम से मत निकालिए। देख ले बेटा, मेरे सामने तेरे बाप की भी एक औकात है और तू मुझसे जान लड़ा रहा है। बहुत गलत किया उस लड़की ने तुम्हारे पिताजी के साथ, ऐसे लोगों की वजह से ही बाकी लोग भी बदनाम होते हैं। खैर अब तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी हेल्प मैं करूंगा। तुम सीए बनना चाहते हो ना? जी सर। जरूर बनोगे, मुझे विश्वास है तुम पर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अरे तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हारा सारा पैसा दूंगी, हाँ हाँ ब्याज समेत। मैम एक बैड न्यूज है। हाँ बोलो क्या बात है। प्लीज पहले आप कॉल काटिए। बोलो। मैम आपने जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया है वो सारा डूब गया है और मैम आपको पूरे 2 करोड़ का नुकसान हो गया है। क्या, ये क्या बोल रही हो तुम? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? मैम मैं सही बोल रही हूँ, ये देख लीजिए आप भी। मैं तो बर्बाद हो गई, क्या करूँ आरती, अब क्या करूँ मैं? मैंने तो लोगों से पैसा लिया है ब्याज पे, ये सोच के कि करोड़ों का फायदा होगा तो लौटा दूंगी, लेकिन अब कैसे लौटाऊंगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मैम मेरे एक जानकार है सीए, आप उनसे मिल सकते हो, शायद आपकी वो कुछ हेल्प कर दे। अच्छा प्लीज जल्दी मिलवाओ मुझे उनसे। बिल्कुल मैम, आप कल मिल लेना, मैं उनसे आज ही बात कर लूंगी। ठीक है मैम। वाओ तू तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ सीए से मिलने आई हूँ, लेकिन सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली लगता है पूरा दिन खराब जाएगा। दिन तो खराब जाएगा पक्का तेरा। अच्छा सीए की कुर्सी बैठ के खुद को सीए समझ रहा है? रुक अभी करती हूँ तेरी शिकायत। क्या हुआ मैम, आप इतनी गर्म क्यों हो रही हो, आपकी आवाज बाहर तक जा रही है। इसी की शिकायत कर रही हूँ तुम्हारे सीए से। पागल हो गई हो क्या आप मैम, यही तो सीए है। क्या ये सीए है? सर सर प्लीज सर मुझे माफ कर दो सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। माफ कर दूं? शर्म आनी चाहिए तुझे माफी मांगते हुए भी, क्योंकि तूने जो पाप किया है ना बेटा वो माफी के लायक नहीं है।
तेरे जैसे लोग लालच और घमंड में इतने चूर होते हैं कि तुम्हें अपने फायदे के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। अपने फायदे के लिए तुम जैसे लोग गरीबों पर अत्याचार करते हो, उनका हक मारते हो और फिर उन्हीं पर धौंस दिखाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। और बेटा, गरीब और मजबूर लोगों के साथ अन्याय करने वालों को मैं तो क्या ऊपर वाला भी माफ नहीं कर सकता। चल निकल यहां से। दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो यार प्लीज अब जल्दी से कमेंट करके भी बता दो आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर आपको मुझसे डायरेक्ट या अभी बात करनी है तो अभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है rahul.rana.8। सो मुझे अभी फॉलो करो, मुझसे बात करो। ठीक है गाइज, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।